हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुकवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप स्टेज पे फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं। कई लोग इस टॉपिक पे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कई लोग आपको तरह तरह के टिप्स देंगे, कई लोग यहाँ तक कहेंगे कि तुम ये समझो कि तुम्हारे सामने पूरी दुनिया बैठी है, लेकिन तुमको ये समझना है कि तुम्हारे सामने कोई नहीं है। ये कतई रास नहीं आता इस चीज़ को समझना, क्योंकि आप ज़रा सोचिए, आप फिज़िकली उस चीज़ को देख पा रहे हैं, ऑडिटोरियम में 200 लोग बैठे हैं, आपके आँख आई कंटेक्ट जो बना हुआ है वो फिज़िकली उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस ऑडियंस को देख पा रही है, आपका माइंड फिज़िकली इस चीज़ को सोच पा रहा है कि 200 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मनाना कि यहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। ये टिप्स आपको सब कोई बताता है, लेकिन मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। इस YouTube दुनिया से हटकर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वो टिप्स आपको लास्ट में बताई जाएगी। तब तक के लिए समझते हैं कि लोग होता क्या है ना, कि जब स्टेज पे हम आते हैं तो हमारे अंदर तरह तरह की घबराहट पैदा होने लगती है, किसी को पसीने छूटने लगते हैं, उनके पैर कपकपाने लगते हैं, उनको क्या बोलना है वो सब कुछ भूल जाते हैं। समझते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है कि एक कंपनी के चेयरमैन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें हर व्यक्ति को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय में बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा परफॉर्मेंस दिया, जब वो स्टेज की तरफ बढ़ा तो उसके घुटने और उसके हाथ जो था थरथराने लगा, पैर कांपने लगा, पसीने छूटने लगे, उसे क्या बोलना था वो सारी स्क्रिप्ट भूल गया जो भी वो तैयारी करके आया था। 5 से 6 मिनट तक तो इधर उधर के बातें किया, लेकिन बाद में जा करके वो असफल होकर के बैठ गया। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद चेयरमैन ने बोला कि तुम हमसे आकर के ऑफिस में मिलो। वो व्यक्ति जाता है चेयरमैन के पास, ऑफिस में मिलता है। चेयरमैन ने उसे एक सवाल किया कि आखिर तुम इतने तैयारी के साथ आए थे, पिछले 15 दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन तुम जब स्टेज पे गए तो इस तरह का तुम्हारा परफॉर्मेंस क्यों हुआ? तो वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उस चेयरमैन ने एक और सवाल किया कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम स्टेज पे जाने से पहले तुम्हारा मेंटली प्रिपरेशन क्या था, तुम्हारे माइंड में थॉट किस तरीके के आ रहे थे? तो उसने बताना शुरू किया कि मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं जानता था कि मैं खुद को ऑडियंस के सामने मूर्ख साबित कर दूंगा, मुझे ये पता था कि मैं फ्लॉप जा रहा हूं और मेरा ये शो हिट नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मैं वो सारा स्क्रिप्ट बोल चुका था जो मैं स्टेज पे बोलने वाला था। तो चेयरमैन ने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी जो आज तुम असफल हुए, क्योंकि तुम उस चीज़ पे फोकस किए जो तुम्हारे पास नहीं था, उस चीज़ पे फोकस नहीं किए कि जो तुम्हारे पास था, तुम्हारे पास अपनी तैयारी थी लेकिन उस पर फोकस नहीं किए, तुम इस चीज़ पे फोकस किए कि कहीं लोग मुझे क्रिटिसाइज ना कर दें, कहीं लोग मुझे स्टेज से उतार ना दें। इस तरीका का घबराहट और इस तरीका का डर तुम्हारे अंदर पैदा होने लगा, यही वो कारण है जो तुम्हें आज पूरे कैपेबल होने के बाद भी, वैल्यूएबल होने के बाद भी तुम्हारा शो और तुम्हारा स्पीच फ्लॉप हुआ। तो दोस्तों, वो टिप्स के बात करते हैं कि वो कौन से टिप्स है जिसे हम फ्लुएंटली बोल सकते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारे सामने 200 लोग बैठे हैं, लेकिन उसे समझो कि वो मूर्ति हैं, वो उनको कुछ नहीं पता है, वो कुछ नहीं जानते हैं और तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं, तुम ही एक अकेले हो ऑडिटोरियम। इस चीज़ को समझना ज़रा मुश्किल है। मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ, आप समझिए कि आपके सामने पूरी दुनिया बैठी है। आप इस चीज़ को इनकार मत कीजिए कि मेरे सामने कोई नहीं बैठा है। आप समझिए कि मेरे सामने पूरी दुनिया बैठी है, लेकिन आपका फोकस आप अपने स्पीच पे रखें, ना कि पूरी दुनिया पर। जिस दिन आप अपने फोकस अपने स्पीच पे रखेंगे, पूरी दुनिया को छोड़ देंगे, उस दिन आप फ्लुएंटली किसी भी स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं। और ये ना सोचिए कि सामने वाला जो बैठा है वो बंदा, वो कितना पढ़ा लिखा होगा, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग आए होंगे, ये मत सोचिए। बस इतना सोचे कि जितना भी लोग जानता है इस ऑडिटोरियम में, उससे बेहतर जानता हूँ मैं, और इस नियत से स्टेज पे जाए और परफॉर्मेंस दे। मैं वादा करता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस हिट जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट में बताइए कि अगला कौन से टॉपिक लाऊं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी का निवाला, तो एक बार फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए बुकवाला। खुदा हाफिज।